तो हम लोग आज ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, विच इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग जर्नल एंड लेजर। तो आज हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। तो हमने पिछली बार तक हमने ये देखा कि कैसे एक जर्नल एंट्री से हम एक एक यूनिक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग करते हैं कि कितना बैलेंस है, और उस बैलेंसिंग की साइड हमने देखी कि कैसे डेबिट और क्रेडिट साइड होती है किसी भी अकाउंट के बैलेंसिंग के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछली बार देखा सेल्स का क्रेडिट बैलेंस 6000 रुपीस का हमने यहां पर देखा। इस तरह से हमने गुड्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस देखा 10000 रुपीस से। ऐसे ही हमने पंकज कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस देखा 25000 रुपीस से। तो हम इसी तरीके से अब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिसमें हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी सारी एंट्रीज ठीक से हुई है कि नहीं, उन सारी एंट्रीज को हमने लेजर अकाउंट्स में ठीक से पोस्ट किया है कि नहीं, कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं है जो छूट रहा है, जो नहीं बन पाया है, और क्या कोई गलती ही हमने जर्नल बनाते वक्त या फिर लेजर पोस्टिंग के वक्त कर दी। इन चीजों को पता करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रायल का मतलब आप लोगों को सबको पता है, एक तरीके का टेस्ट, एक तरीके से किसी भी चीज को जांच करके देखना, किसी भी चीज को एग्जामिन करके देखना, उसको ट्रायल वर्ड बोलते हैं। और बैलेंस शब्द का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि बैलेंसेस को यूज करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको जब लेजर अकाउंट्स बनाए थे तो बैलेंस दो तीन बार ठीक से समझाया है कि कैसे एक लेजर अकाउंट को आप बैलेंस करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बैलेंसिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे हेडिंग बिल्कुल ठीक से। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, तो हेडिंग कैसे लिखेंगे हम लोग, मेसर्स पंकज एंड कंपनी ट्रायल बैलेंस एज ऑन, एक बार डेट देख लेते हैं इसकी, January 31, 1999 की डेट है इसकी। तो यहां पर हम लोग 31 January 1999, मैं रिपीट कर देता हूं, हेडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल के ऊपर, लेजर के ऊपर और ट्रायल बैलेंस के ऊपर। आगे आप कैश बुक पढ़ेंगे और तरीके की बुक्स पढ़ेंगे, सेल्स बुक, परचेस बुक, आप लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, इन ऑल दोस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स यू विल हैव टू मेंशन द हेडिंग वेरी वेरी क्लियरली। हेडिंग टेल्स यू विच कंपनी दिस पर्टिकुलर अकाउंट बिलोंग्स टू, वॉट इज द डेट ऑन विच यू आर मेकिंग दिस अकाउंट, दिस आर दीज टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्यूचर में कभी रिकॉर्ड को आपको दोबारा देखना होगा तो आप कैसे देखेंगे, आप अगर 31 मार्च 2020 का इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो अगर डेट नहीं लिखी हुई होगी ट्रायल बैलेंस के ऊपर या लेजर के ऊपर या फिर फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, तो आप कैसे रेफर करेंगे उसको, आप रेफर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए जो है डेट और नाम डालना बहुत जरूरी है कंपनी का, कि किस कंपनी का ये ट्रायल बैलेंस है और किस कंपनी, किस तारीख को आप ये बना, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, उसके बाद सबसे पहला कॉलम आएगा इसमें पर्टिकुलर्स, या इसको कई लोग बोलते हैं डिटेल्स, या कई लोग बोलते हैं अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद कॉलम आएगा अमाउंट डेबिट साइड, और यहां आएगा अमाउंट क्रेडिट साइड, फॉर्मेट है। अगेन आप अगर ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं और इन दोनों को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बिल्कुल यही आप लोग अपने पेपर में भी फॉर्मेट बनाएंगे, ऐसे फॉर्मेट बनेगा, छोटी सी टेबल आप बना सकते हैं। इस तरह से आप एक छोटा सा फॉर्मेट
ट्रायल बैलेंस का बना लेंगे। ट्रायल बैलेंस, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि दो तरीके की चीजें आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। जर्नल एक तरीके का अकाउंट था जिसमें आपने अकाउंटिंग एंट्रीज करी, अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से किस टाइप का अकाउंट है, कितने अकाउंट है, उनको देखते हुए आपने जर्नल बनाया, तो जर्नल एक तरीके का अकाउंट था। उसके बाद आपने लेजर पोस्टिंग से हर एक यूनिक अकाउंट का एक अकाउंट बनाया आपने, तो ये भी एक तरीके का अकाउंट है। तो लेजर भी एक तरीके का अकाउंट है, जर्नल भी एक तरीके का अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस एक तरीके का स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इसको बहुत ध्यान से समझिए। इसके अंदर कोई जर्नल का रूल नहीं लगेगा, कोई लेजर अकाउंटिंग की पोस्टिंग नहीं होगी। सीधे हम लेजर से उठा करके जो भी बैलेंसेस जिस साइड में है उनको यहां पर पोस्ट करेंगे। तो ये केवल एक स्टेटमेंट है जो हमको ये बताएगा कि क्या जितने बैलेंसेस डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आपने आइडेंटिफाई किए वो आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आप लोग, मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूं, एवरी ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट टू साइड्स। हर ट्रांजैक्शन की कम से कम दो पक्ष होते हैं, उनमें से आप एक कुछ पक्ष को क्रेडिट करते हैं और कुछ पक्ष को आप डेबिट करते हैं। अगर दो हैं तो एक क्रेडिट में जाता है और एक डेबिट में जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने, सुधीर को उधार माल बेचा तो सुधीर अकाउंट डेबिट में आ गया, पर्सनल अकाउंट है, और टू सेल्स अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है वो क्रेडिट में आ गया। ठीक, 6000 रुपए डेबिट साइड में आ गए, 6000 रुपए क्रेडिट साइड में। ठीक, अब जब आप इन सारे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करते हैं तो उसके कुछ बैलेंसेस निकलते हैं, वो बैलेंसेस भी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हो रहे हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। आपने पंकज कैपिटल अकाउंट बनाया, पंकज कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड में लिखा बाय कैश अकाउंट बाय गुड्स अकाउंट। ठीक, 10,000 15,000 टोटल 25,000। अब देखिए गुड्स अकाउंट में भी आपने लिखा टू पंकज कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा है 10,000 रुपीज पे। कैश अकाउंट में जाइए, कैश अकाउंट टू पंकज कैपिटल अकाउंट 15,000। इसका मतलब जो बात हमने शुरू में की कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कम से कम दो जगह एंट्री होती है, यहां पर तीन जगह एंट्री हुई है, दो अकाउंट्स डेबिट में है कैश और गुड्स, एक अकाउंट कैपिटल क्रेडिट में, गुड्स 10,000, कैश 15,000 और टोटल कैपिटल 25,000। और वही हम यहां पर देख रहे हैं, देखिए 15,000 यहां है, 10,000 यहां है और 25,000 यहां है। तो एग्जैक्टली जो रूल हमने डबल एंट्री सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट किया था वो हुआ। अब बैलेंसिंग भी देखिए सारे अकाउंट्स की उसी के हिसाब से हो रही है, राइट? ये यहां पर आ गया, ये 25,000 यहां पे आ गया और ये 10,000 यहां, 15,000 यहां पे आ गया। उसी हिसाब से जो बैलेंसिंग हुई है, जहां पर बैलेंस निकलेगा हम उसको ट्रायल बैलेंस की उसी साइड में डेबिट या क्रेडिट करेंगे। आइडियली जब आप यहां पर ग्रैंड टोटल निकालेंगे तो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल आपस में मैच करेगा, मिलना चाहिए, बराबर आना चाहिए, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को आपने बराबर जर्नल में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिखा है, तो बराबर आना चाहिए। अब वो कैसे बराबर आएगा ये डिपेंड करता है कि आपने जर्नल एंट्रीज ठीक से किए हैं कि नहीं, सही डेबिट और क्रेडिट किया है कि नहीं, सही टाइप का अकाउंट आइडेंटिफाई किया है या नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके जितने हमने जर्नल में एंट्रीज से लेजर अकाउंट्स बनाए थे, वी विल पिक अप दोस लेजर अकाउंट्स वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का देखिए बैलेंस किस तरफ है, 7,375 डेबिट साइड में बैलेंस है, तो हम यहां लिखेंगे कैश अकाउंट और डेबिट वाले अमाउंट के कॉलम में लेफ्ट साइड वाले में लिखेंगे 7,375। अब आप दूसरे पे आ जाइए, पंकज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में देखिए अमाउंट क्रेडिट लिखा है, ये क्रेडिट साइड का टी फॉर्मेट में राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। पंकज कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपीज क्रेडिट साइड, आप यहां पे लिखेंगे पंकज
कैपिटल अकाउंट 25,000। ठीक, ऐसे ही आप अगला आएंगे गुड्स अकाउंट, डेबिट साइड में 10,000 रुपीज का बैलेंस है। देखिए डेबिट साइड में 10,000 रुपीज का बैलेंस है, गुड्स अकाउंट लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, गुड्स अकाउंट और डेबिट साइड में लिखेंगे 10,000 रुपीज। फिर आप लेजर में जाएंगे मिस्टर सुधीर्स अकाउंट, इसके अंदर देखिए कहीं पर बैलेंस नहीं है, हमने निकाला नहीं है इसका बैलेंस क्योंकि इसमें अब कोई बैलेंस बचा नहीं है, टोटल बराबर हो गया है, टोटल आपस में बराबर हो गया है, कोई बैलेंस बचा नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे इसको कहीं पर मेंशन नहीं करेंगे। या एक तरीका यह हो सकता है कि मिस्टर सुधीर अकाउंट लिख करके आप ऐसे एक डैश लगा दीजिए, जीरो लिख सकते हैं, जीरो लिखना ठीक लगता है इसलिए डैश लगा देते हैं, सारे अकाउंट्स नोट करेंगे जिसमें बैलेंस नहीं है उनको भी नोट करेंगे। ठीक, सेल्स अकाउंट पे आ गए, अब आप सेल्स अकाउंट में देखिए क्रेडिट साइड में यहां पर 6,000 रुपए का बैलेंस है, 6,000 रुपीज का बैलेंस है, तो आप यहां आ जाइए ट्रायल बैलेंस में, सेल्स अकाउंट लिखिए, क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 6,000। ठीक, परचेजेस अकाउंट में आ जाइए, देखिए परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड में 7,000 रुपीज का बैलेंस है, ये डेबिट साइड है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 7,000 रुपीज परचेजेस अकाउंट, तो आप परचेज अकाउंट में चले जाइए और डेबिट साइड में 7,000 रुपीज। ठीक, अब आगे आप लोगों से मैंने कहा था कि बना लीजिए, आप लोगों ने नहीं बनाया, तो अब मैं अपने तरीके से फिर इसको फाइनलाइज करूंगा अकाउंट को, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रमेश अकाउंट बनाना था हमको। ठीक है, तो रमेश के कितने ट्रांजैक्शंस हुए, एक 4,000 रुपए का ट्रांजैक्शन यहां हुआ है और एक 3,950 का ट्रांजैक्शन यहां हुआ है, 50 रुपए का ट्रांजैक्शन। तो देखिए ध्यान से, मिस्टर रमेश यहां पर क्रेडिट हुए हैं 4,000 रुपए से और यहां दो जगह पर 4,000 रुपए से डेबिट हो गए, तो रमेश के अकाउंट में भी कोई बैलेंस बचा नहीं, बिल्कुल सुधीर के अकाउंट की तरह बना हुआ है। तो हम यहां पर जाएंगे लिखेंगे रमेश अकाउंट और डैश कर देंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों में 4,000 रुपए आ गए हैं, इसलिए अब इसके अकाउंट में कोई बैलेंस बचा नहीं। मिस्टर रमेश के बाद टाइप मशीन का एक अकाउंट खोलना पड़ेगा हमको, और टाइप मशीन में देखिए और कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन टाइप मशीन में हो रहा है, नहीं हो रहा। नहीं, टाइप मशीन यहां क्या है, डेबिट साइड में, तो यहां पर आप डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, पोस्टिंग इसकी लेजर में डेबिट साइड में होगी, तो डेबिट साइड में ही इसका बैलेंस निकलेगा। तो हम लोग यहां चले जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, यहां लिख देते हैं टाइप मशीन और 1500 रुपीज डेबिट साइड में हम लिखते हैं। ठीक है, या आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो आप लोगों पे कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, आप लोग घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे ये नहीं समझ में आएगा, बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, ये नेक्स्ट सीटी में आएगा, ट्रायल बैलेंस और लेजर में नेक्स्ट सीटी में दूंगा, आप लोग देख लीजिए आपको ठीक लगता है प्रैक्टिस करिए, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान होते रहेंगे, दसवीं तक मैं ही पढ़ाऊंगा और आप परेशान होते रहेंगे। ठीक है, आरएस ब्रदर्स क्रेडिट साइड में नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अकाउंट लेजर में क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। ठीक, अब देखिए कहीं पर आरएस ब्रदर्स और लिखा है, यस डेबिट साइड 1500, देखिए यहां पर ऊपर क्रेडिट साइड में लिखा है, यहां पर डेबिट साइड में आ गया, इसका मतलब दोनों साइड इसके 1500 रुपीज का बैलेंस पोस्ट हो गया है, इसलिए टिपिकली एट द एंड ऑफ द कोई ट्रांजैक्शन में बैलेंस बचा नहीं है, आरएस ब्रदर्स भी जीरो बैलेंस हो गया है। तो यहां पर आप लिखेंगे मैसर्स ब्रदर्स और इनमें भी कोई बैलेंस नहीं बचा। ठीक, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट देखिए कौन सा ट्रांजैक्शन, अनूप स्लोन अकाउंट,
4,000 रुपीज। अनूप का लोन अकाउंट है 4,000 रुपीज का। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो डेबिट साइड में आपके पास 4,000 रुपीज आ गए होंगे, आप पोस्ट करेंगे लेजर में जाकर के, सो डेबिट साइड में 4,000 आ जाएंगे। अब देखिए अनूप लोन अकाउंट कहां कहां पर है, और कहीं पर अनूप लोन अकाउंट नहीं। ये जो लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड और अनूप लोन अकाउंट, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है, लोन अकाउंट नहीं है, ये अलग अकाउंट बनेगा, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, अनूप लोन अकाउंट पर्सनल नेचर का अकाउंट है। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अनूप लोन अकाउंट इज नॉट अनूप लोन अकाउंट, इट्स अ सेपरेट अकाउंट। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट अलग है, ये अकाउंट अलग है, तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है। तो अनूप लोन अकाउंट आप देखिए कहीं पर और नहीं मेंशन है, अनूप लोन अकाउंट 4,000 रुपीज डेबिट साइड में बैलेंस पोस्ट होगा, इसकी बैलेंसिंग आप करेंगे तो ये वापस डेबिट साइड में ही बैलेंस दिखाएगा। तो हम लोग यहां पे चले जाते हैं और यहां लिख देते हैं अनूप लोन अकाउंट 4,000 रुपीज डेबिट साइड। ठीक, नेक्स्ट कैश अकाउंट, इसका बैलेंस हम शायद लिख चुके हैं तो जरूरत नहीं है लिखने की, बिल्कुल कैश अकाउंट का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है। प्रिंटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस देख लीजिए और कहीं पर है, एक बार पहले चेक कर लीजिए, नहीं प्रिंटिंग चार्जेस कहीं नहीं है। प्रिंटिंग चार्जेस डेबिट साइड में है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जब आप पोस्टिंग करेंगे इसकी तो टू कैश अकाउंट करके पोस्टिंग होगी लेजर में, और डेबिट साइड में अमाउंट आएगा इसका, कितना अमाउंट है इसका प्रिंटिंग एक्सपेंसिस का, प्रिंटिंग चार्जेस 150 रुपीज डेबिट साइड में लेजर में पोस्ट होगा, और इसकी बैलेंसिंग भी डेबिट साइड में निकलेगी क्योंकि इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो 150 रुपीज प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, यहां पर हम प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट और 150 रुपीज हमने यहाँ पे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक, कैश हम बना चुके हैं, जरूरत नहीं है बनाने की, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार चेक करवा देता हूं आपको, देखिए प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट 150 रुपीज हमने डेबिट साइड में डाला है ट्रायल बैलेंस की, क्योंकि इसकी लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में हुई है, इसका बैलेंसिंग भी डेबिट साइड से निकला है। अब आप देखिए कैश अकाउंट में प्रिंटिंग चार्जेस ऑलरेडी डला हुआ होगा, देखिए बाय प्रिंटिंग चार्जेस 9th January 150 रुपीज। तो डबल एंट्री सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया दो साइड्स होती हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की, एक डेबिट और एक क्रेडिट कम से कम, और देखिए ये इसकी क्रेडिट साइड है और क्रेडिट में बैलेंस एडजस्ट हुआ है देखिए कैश के अंदर। तो जो ये 7,375 निकला है इसके अंदर 150 रुपीज क्रेडिट में एडजस्टेड है, ऐसे ही प्रिंटिंग चार्जेस में 150 रुपीज डेबिट में एडजस्टेड है। तो ये मैं आपको डबल एंट्री का गोल्डन रूल बार बार याद भी दिला रहा हूं, ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के दौरान समझाए थे वो भी बता रहा हूं, और कैसे दोनों साइड एंट्री हो रही है और ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करेगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रिंटिंग चार्जेस हमने किस तरह से वहां एंटर किए और कैश में वो पहले से एडजस्ट हो रखे हैं क्योंकि हमने कैश का बैलेंस देखिए यहां पर ऑलरेडी डाल दिया है 7,375, तो इसके अंदर ये 150 एडजस्टेड है, तो इसको मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया। तो अब जस्ट आपको एक रिविजन करके बता रहा हूं मैं कि कैसे एक एक अकाउंट एडजस्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब आया सेल्स रिटर्न्स। 10 जनवरी को सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट में है, अगर आप इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड में 200 रुपीज जाएंगे टू सुधीर अकाउंट, देखिए यहां पे लिखा हुआ है टू सुधीर अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट लेजर पोस्टिंग में डेबिट साइड में 200 रुपीज का बैलेंस जाएगा, तो हम ट्रायल बैलेंस में जाकर के यहां पर लिख देंगे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट 200। ठीक है, सुधीर हम ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रीटमेंट, जरूरत नहीं है उसमें दोबारा जाने। रवि
अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कैश कर चुके हैं, कैश पीएम कर चुके हैं। अब ये ट्रांजैक्शन है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये हमने अभी नहीं किया है ट्रायल बैलेंस में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हम जब लेजर बनाएंगे तो देखिए, सबसे पहले तो क्रेडिट साइड में ₹50 लिखे हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज क्रेडिट साइड। तो इसका जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का लेजर बनते वक्त बाई रमेश अकाउंट ₹50 क्रेडिट साइड में आएगा, और इसका कोई दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट साइड में निकलेगा। तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। रिसीव्ड अकाउंट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में ₹50 दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आरएस ब्रदर्स हम बना चुके हैं, कैश भी बन चुका है, ये वाला अकाउंट में कैश बन चुका है, सुधीर की एंट्री भी हो चुकी है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट ये नहीं बना है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस बिल्कुल प्रिंटिंग चार्जेस की तरह है, डेबिट साइड में है, एक्सपेंडिचर है आपके लिए, ठीक। तो आप जब इसका लेजर अकाउंट बनाएंगे तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे और डेबिट साइड में ही इसका बैलेंस निकलेगा ₹100। एक ही ट्रांजेक्शन है स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो आप सीधे यहां पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे ₹100 से, आई थिंक 100 ही है, ठीक है। परचेजेस हम बना चुके हैं, कैश अकाउंट हम बना चुके हैं, बैंक अकाउंट हमने नहीं बनाया है, ये बनेगा। लेकिन बैंक अकाउंट में भी बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह एक ट्रांजैक्शन आएगा, डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट ₹2000, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट साइड में ही निकलेगा ₹2000 से। तो सीधे हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे, ₹2000 मेंशन करेंगे। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, कैश करंट एसेट्स में आता है और एसेट्स जनरली डेबिट साइड में होती है। आई रिपीट, कैश इज करंट एसेट्स, वन टाइप ऑफ एसेट है कैश, बैंक अकाउंट भी कैश ही है, बस आपका बैलेंस जो बैंक में रखा है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट मतलब आपकी जेब में पैसे हैं और बैंक अकाउंट मतलब बैंक के अकाउंट में रखे हैं, इसलिए दोनों डेबिट साइड में दिखेंगे हमेशा, दोनों करंट एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। यहां आ गया, बैंक अकाउंट की एंट्री हो गई, कैश ऑलरेडी बन चुका है, सेल्स बन चुका है, ये बैंक अकाउंट। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग, यहां पर आपने फिर से बैंक से ₹500 निकाल लिए, तो ₹2000 पहले आपने डेबिट किए, ₹500 क्रेडिट हो रहे हैं। देखिए बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में, ₹500 इसका लेजर अकाउंट आप बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में जाएगा बाई कैश अकाउंट, बैलेंस निकलेगा डेबिट साइड में 1500। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, दिस इज 1500। अभी आप लोगों ने बनाया होता लेजर तो आसानी से समझ में आता, नहीं समझ में आया होता तो मुझसे पूछते, इसलिए थोड़ा तेज तेज चल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट साइड में है, जब आप इसका लेजर बनाएंगे तो इसके अमाउंट क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा बाई कैश अकाउंट ₹75, तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट साइड में निकलेगा। तो आप यहां लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अनूप्स लोन अकाउंट, लोन यहां पे अकाउंट लिखिए, और इसमें ₹75 आपको मिले हैं, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कैश बना चुके हैं आप, वेजेस सैलरीज रेंट तीनों ही नॉमिनल अकाउंट है, तीनों डेबिट साइड में है। जब इनकी लेजर एंट्रीज आप बनाएंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड में आप जाएंगे और सॉरी डेबिट साइड में आप जाएंगे और बोलेंगे तीनों में टू कैश अकाउंट, एक में 300 आएगा वेजेस में, सैलरीज में 900 आएगा, रेंट में 300, बैलेंसिंग करेंगे डेबिट साइड में निकलेगा ये इतना ही अमाउंट। तो मैं यहां बाय डिफॉल्ट लिख देता हूं वेजेस अकाउंट 300, ये 900 है, ये ठीक है। मेरे ख्याल से सारे अकाउंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, सारे लेजर बनने के बाद ऐसे आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा और इसको आप इसका सम आप करेंगे, टोटल जोड़ेंगे
डिफरेंस आ गया, देखिए डिफरेंस आ गया, इसका मतलब कोई अकाउंटिंग एंट्री या तो गलत हुई है, कोई अमाउंट गलत डला है, कुछ चीज इसमें गलत हुई है, कहीं गलती है, किसी बैलेंसिंग में गड़बड़ हुई है, कोई डेबिट साइड क्रेडिट में नहीं गई है, डेबिट में नहीं गई है, ड्यूटी नहीं हुई है, कुछ चीज इसके अंदर मिसिंग है, तो वी विल हैव टू इन्वेस्टिगेट कि ये गलत क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेट मैं कल करूंगा और एरर के बारे में भी आपको बताऊंगा, कल हम लोग एरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, मतलब थर्सडे को जो क्लास है उसमें। ठीक है,